वाह तैत्यानी, वाह। तुमने बुराई को जिताकर भयंकर का दिल जीत लिया है। भयंकर खुश हुई, बहुत खुश हुई। भयंकर परी, अब तक तो मैं कमजोर थी, मेरे जादू भी खास काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उस बालवीर और उन परियों की आंखों में धूल झोंक दी। सोचो, एक बार मैं इस अमृत कुएं का पानी पीकर शक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर क्या होगा? फिर तो मैं उस बालवीर का और उन परियों का नामो निशान मिटा दूंगी। नामो निशान, क्योंकि मैं हूं बुराई की रानी तैत्यानी। दैत्यों की भक्ति मिली है मुझे, दैत्यों से शक्ति, हूं मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी, दैत्यानी, दैत्यानी। बालवीर, इतने चिंतित क्यों हैं? अब तो मेहर भी मिल गई है, उसके बाल भी पहले जैसे हो गए हैं, तो अब कौन सी बात की चिंता है आपको? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ कुल्थियाँ सूजी नहीं है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे आखिर है कौन? मेहर का अपहरण आखिर किया किसने? और कौन?
वो भयंकर परी ही होगी बालवीर। भयंकर परी ने ही मेहर का अपहरण किया होगा और उसके बाल भी लंबे किए होंगे। हाँ माँ, लेकिन भयंकर परी को ऐसा करके आखिर मिलेगा क्या? उसका मकसद क्या है? और वैसे भी मेहर मुझे बता रही थी कि एक छोटे कद के आदमी और एक बूढ़ी औरत ने उसका अपहरण किया था। छोटे कद का आदमी जरूर तौबा तौबा ही होगा, लेकिन वो बूढ़ी औरत क्या वो भयंकर परी ही थी या कोई और? बालवीर, वो भयंकर परी ही होगी। हमें भ्रमित करने के लिए उसने बूढ़ी औरत का रूप लिया होगा। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भयंकर परी की चाल को नाकाम किया है, यही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, लेकिन अब हमें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में किसी भी बच्चे पर किसी भी तरह का खतरा मन रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा बालवीर, आप चिंता मत कीजिए। आप और हम सब परियां मिलकर भयंकर परी की किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं देंगे। बहुत मुश्किल था, लेकिन मजा आया। मानना पड़ेगा देत्यानी, तुम्हारे खेल की वजह से बालवीर अब तक यही समझ रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। उसे तो पता भी नहीं है कि बुराई की महाशक्ति देत्यानी जीवित हो चुकी है। केवल जीवित ही नहीं, पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो। अब सच्चाई और अच्छाई हम दोनों के सामने नाक रगड़ेगी। पृथ्वी लोक और परिलोक पर हम दोनों का राज होगा। हम दोनों का? हाँ, हम दोनों, क्योंकि हम दोनों बुराई के साथी हैं। बुराई की विजय के लिए हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। है? दैत्यानी की शब्दकोश में साथी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। सिर्फ एक ही शब्द है, मैं और सिर्फ मैं। सिर्फ दैत्यानी, इतना अहंकार अच्छा नहीं है दैत्यानी, कि अगर आज तुम जीवित हो तो वो सिर्फ मेरी वजह से। तो इस वजह को ही मैं मिटा दूँ तुम्हारा अंत करके। भयंकर बने। मेरा अंत करना इतना आसान नहीं है दैत्यानी। आज तक बालवीर और परियां भी मिलकर मेरा अंत नहीं कर पाई, तो तुम क्या करोगे? की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूँ मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। महेश बेटा, ये न्यूज़ पढ़ी कि नहीं? परीलोक में बच्चों का सम्मान समारोह होने वाला है और पृथ्वीलोक से 5 बच्चों को जाने का मौका मिलेगा। हाँ लो बोलो, ये खबर पिछले 2 दिन से टीवी में आ रही है और आपके जूस पेपर ने अभी छापा। जूस पेपर नहीं माँ, न्यूज पेपर। हाँ भाई, सेम टू सेम। बापूजी, इस खबर के चर्चे पूरे शहर भर में है, मेरे ऑफिस में भी। मेरे ऑफिस में सारे कलीग्स यही चर्चा करते रहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को वहाँ परिलोक में जाने का मौका मिलेगा या नहीं। बच्चों,
लोग इतने उदास क्यों होंगे? क्योंकि दादाजी मेरा बहुत मन कर रहा है परिलोक जाने का, पर अभी तक हमें इनविटेशन ही नहीं मिला है। मुझे भी परियों से मिलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन लगता है हम परिलोक नहीं जा पाएंगे। अरे बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लोगों को इनविटेशन जरूर मिलेगा। अरे बालवीर तो तुम लोगों का दोस्त है ना, वो भेजेगा तुम लोगों के लिए इनविटेशन। भेजेगा भेजेगा, और उसके बाद याओ याओ, उसके बाद तुम्हें आसमान की सैर करनी होगी। मानव मेहर, मैं हूँ तुम्हारा परिलोक में आने का निमंत्रण पत्र। मेहर मानव, वाह! अरे ये बोलने वाले निमंत्रण पत्र का? मेहर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, मेहर मानव परिलोक में होने वाले बच्चों के सम्मान समारोह में आप दोनों को विशेष रूप से निमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। अवश्य आइएगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे रानी परी। देखा देखा, मैंने कहा था ना। Can you believe it? हम परी लौट जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। भयंकर को मिटाना इतना आसान नहीं है दैत्यानी, ये मत भूलो अगर मैं तुम्हें जीवित कर सकती हूँ तो फिर वापस समाप्त भी कर सकती हूँ। सच में इन दोनों में युद्ध करूं क्या मैं? छोड़ो ये सब, भाग तो बातो भाग। भयंकर परी, देख लो दैत्यानी की शक्तियों का जोर। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं दैत्यानी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है भयंकर परी, बुराई की महारानी है दैत्यानी, एक डरावनी कहानी है दैत्यानी। Ah!
सर्वशक्तिमान। करके अंत इस कमजोर परी भयंकर का मिलेगा क्या आपको? कर दीजिए इसे माफ। दैत्यानी, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, दैत्यानी मुझे बचा लो। दैत्यानी मत करो अंत इसका, अगर है ऐसा तो बंद कर दो इसे इस ताबूत में और सुला दो गहरी नींद में। सही कह रहे हो तुम तौबा तौबा, बंद कर दूंगी मैं इसे इसी ताबूत में, जहां वो सोती रहेगी सदियों तक। नहीं, तोबा तोबा करो क्या मैं, रहना होगा मुझे इस दैत्यानी के साथ ही। दैत्यानी की जय हो, दैत्यानी की जय हो, दैत्यानी की जय हो। ये आपने अच्छा उस नकारा और निकम्मी परी भयंकर को दंड देकर। अब ले लीजिए इस नन्हे से और प्यारे से तोबा तोबा को अपनी शरण में। मैं आपका वफादार सेवक। दैत्यानी की जय हो। हटो यहाँ से, क्योंकि अब सिर्फ उन परियों की और इस बालवीर की जगह होगी मेरे चरणों में। पहरेदारों, जिस तरह तुम सब ने मेरी पहरेदारी की थी उसी तरह अब इस ताबूत की पहरेदारी करो। जो आज्ञा दैत्यानी। और एक बात का ख्याल रख, इस ताबूत से भयंकर परी बाहर ना आ पाए। ठीक है दैत्यानी।